और दीदी आप घबराना नहीं, आराम से पूछना है। बोलिए क्या नाम है आपका? ज्योति सानी। ज्योति सानी। ज्योति सानी जी, क्या पूछने आई हैं आप? मैं अपने सास के लिए पूछने आई थी। स्वास्थ्य के लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्या हो गया? मेरे हमेशा नाक का प्रॉब्लम रहता है और छींके और वो बहना। अब हमने क्या लिखा सुनिए, आपने तो मुझे बताया नहीं, मैंने कलम भी नहीं चलाई, तुम्हारे आने के पहले मैंने लिखा, हमने लिखा है साइनस की शिकायत है। साइनस, साइनस माने होता है नाक में बास बढ़ना या हड्डी बढ़ना, साथ ही जोखाम रहता है इश्नोफिलिया का अंश है, इश्नोफिलिया का अंश है। लाभ होगा इसी क्षण पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, और आज से ही लाभ होना प्रारंभ होगा, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें। आशीर्वाद जय। आपके मन में ज्योति जी विषय तो और भी था, लेकिन आप बदल गई हैं। मैं अपने सास की पूछने वाली थी। क्या हो गया? उनको आंख का बहुत प्रॉब्लम है, ग्लॉकोमा हो गया राइट आई में, तो वो बहुत परेशान है, बहुत उम्मीद लेके आए हैं आपके पास, तो मैं उनके लिए फर्स्ट पूछना चाहती थी। हमने लिखा है सासुमा का है बैठे हैं चेयर पे। और स्किन का प्रॉब्लम बहुत सालों से है उनको, रोज बहुत आस्था दरबार सुनती हैं वो। बहन पहले आपको हल्का सा निमोनिया का भी हो रहा है, आपको बलगम बहुत आता है नाक से और कफ, हनुमान जी कृपा से ये मंत्र आप कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ दीदी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आइए भैया, ये मंत्र पकड़ना नहीं है, ओम क्लीन क्लीन फट स्वाहा 108 बार पूरब दिशा में करना है, जो कि हमें पूरब दिशा में लिखा नहीं, मोखात बोल रहा हूँ, नहीं तो आप ढूंढती रहोगे पूरब दिशा कहाँ लिखा है, इसमें पूरब दिशा में मोखात बोला है, 108 बार पूरब दिशा में करना है। 3 रामायण होंगी, 3 दिन का हवन होगा, 3 नारियल बंधन होंगे, आशीर्वाद। पंडुखर धाम जाना है, इतना करना है, आशीर्वाद। भैया बैठ जाइए, और आप लोग दरबार में पर्ची को स्क्रीन यदि आपके सामने लगी होगी तो आप देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर ही लाइन में ज्योति जी का नाम लिखा होगा, और पूरा सासू माँ के बारे में इन्हें बोला नहीं है, लेकिन ऊपर से दूसरी नंबर की लाइन लिखी है, क्योंकि हमने इनको 2 लाइनें नहीं पढ़ाई थी, एक तो ऊपर की और उसके नीचे वाली, हमने 3री 4थी और 5वीं, मतलब 3 लाइनें हमने नीचे वाली पढ़ाई थी। बोले ऐसा नो भाई से बोलिए, हमने क्या आपको ऊपर की 2 लाइनें पढ़ के बताई थी? नहीं बताई थी आपको, नीचे की, बीच की और उसको ऊपर की, ठीक है, ऊपर 2 लाइनें नहीं बताई, आपके नाम से नहीं बोला हमने प्रारंभ, आपने देखा भी होगा मैंने माँ के नाम से नहीं बोला क्या, लेकिन हनुमान जी कृपा सफलता मिलेगी, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। साथ ही ये मंत्र है, ये मंत्र 108 बार करना है, यह एक दूसरे को किसी के मंत्र की नकल नहीं करना है, जो मंत्र लिख के दिया जाता है वो मंत्र इस प्रकार है, और ये मंत्र सबको अलग अलग दिया जाता है, शब्द में फर्क होता है, कुछ कारण, जैसे डॉक्टर की दवा भी बगैर मेडिकल के, डॉक्टर के बगैर परामर्श के नहीं खाना चाहिए, इसी प्रकार से मंत्र भी हर व्यक्ति को हर मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट भी आता है, क्योंकि आप जिस योजना से, जिस कारण से हम जो मंत्र दे रहे हैं वो सबके मंत्र अलग अलग होते हैं, ये मत सोचना कि ये परेशानी सेम इनकी थी वही हमारी है तो हम भी यही कर ले, विशेषकर मेडिकल की दवाइयां भी आप लोग ऐसे ही खाते हैं कि सिर दर्द है तो अरे वो खा लो, एसिड बन रही है चलो ये वाला कैप्सूल खा लो, तो ये नहीं करना है, मंत्र अपनी जगह पर है, काम अपनी जगह पर है, ठीक है। जय श्री राम, जय पंडित शंकर, मैया को ठीक हो जाएंगे, आंखों के अंदर जो इन्फेक्शन है लाभ हो जाएगा, और साथ में जो चमड़ी पे जो दिक्कत है ये है धूप एलर्जी, धूप की, सूर्य भगवान, ये डॉक्टर की भाषा में धूप एलर्जी है, दूसरा इसको सोरासिस का छोटी बहन माने, सोरासिस की छोटी बहन, इसमें क्या होता है खुजली मचेगी लेकिन पानी नहीं आएगा, बस खाल खिंचेगी, ठीक है, और काला होता चला जाएगा, और सोरासिस जो होता है वो लाल होता है, इतना
दोनों में फर्क है, हनुमान जी की कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद है। मैया इतना आप पंडोकर धाम आइए, ठीक हो जाओगी। ठीक है, माइक नीचे रख दीजिए। हाँ माइक उठाइए, बताओ दीदी क्या पूछना चाहते हैं। थोड़ा और आइए सरक, और सरकिए आगे को, अरे आगे सरकिए पहले आप। हाँ अब माइक से बोलो क्या बात है। मेरा पति का बेहद दर्द है, हाथ दिक्कत है। किसको? मेरा पति का। कहाँ है पति? इधर है। हाँ, कि ही है। हाँ, हाँ। ये लैंग्वेज व्यवस्था है, इधर है। हमारे तक कहते इतना ही है। हाँ कोई बात नहीं, क्या हो गया पति को? माइक से बोलो, माइक से बोलो। दोनों हाथ ताकत नहीं कर, आपको सुनाई दे रहा है ये बोल रही हो? थोड़ा करने से बोलो, अभी तो आप एक नाचन ला रही थी वहां से। माइक से बोलिए, माइक से। दोनों हाथ में ताकत नहीं। किसके? मेरा पति का। नाम जानती हो? जय नारायण पंडा। आपने किसी को बताया तो नहीं? जय नारायण को ब्लड का, ब्लड संचार रुक रहा है, लाभ होगा, हाथ अकड़ रहे हैं, ठीक होंगे, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, जय नारायण जी को लाभ मिलेगा, आशीर्वाद है। जय नारायण जी आ जाएं। बोले बोले जय नारायण जी। लीजिए बहन ये मंत्र 108वां करना है, यदि करोगी तो लाभ मिल जाएगी, नहीं करोगी लाभ नहीं मिलेगा। ओम फ्राम फ्रीम फ्रोम फट स्वाहा 108 बार करना है। बैठिए, आप भी आइए, आप आइए पीछे आइए, आप बैठ जाओ भैया, आप आइए। ओम इधर देखिए, ओम फ्राम फ्रीम फ्रोम फट स्वाहा 108 बार करना है। विधि, तीन रामायण होंगी, तीन दिन का हवन होगा, तीन नारियल बंधन होंगे, दरबार के बाद इनको झाड़ दिया जाएगा। इनको चोट लगने के कारण से इनका सर्वाइकल गुड़िया डीटॉल और गर्दन का S2 दबने के कारण इनके हाथों में ब्लड सर्कुलेशन का कारण रुक रहा है, साथ में ही ईरोन इन्फेक्शन यानी कि इनको पेशाब में भी दिक्कत है। सो लाभ होगा, घर में प्रेत बाधा का कारण है, आशीर्वाद है, हनुमान जी कृपा करेंगे। अब हमने जो जितना बोला है, सर्वाइकल डीटॉल S2 ये हम मौखात बोला है, पर्चे में लिखा नहीं है, पर्चे में तो हमने इतना ही लिखा है। जय नारायण जी का खून का संचार खुलेगा, हाथ ठीक, स्वास्थ्य, स्वयं का सिर का दर्द भी ठीक होगा, माइग्रेन है आपको, माइग्रेन है राइट और हमारी गारंटी है, अपनी अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। यदि आप करते हैं तो सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। बाकी के यह मंत्र 108वां करना है, कोई भी एक दूसरे का मंत्र को नकल नहीं करेगा। श्री हनुमान जी पंडों को सका कृपा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री पंडों को सका। इसके लिए प्रेत बाधा का कारण है, इसके लिए हम एक कोई उपाय बता देते हैं, अलग से मिल लीजिएगा, जो उपाय बताया जाए उसको करना आपको है। भगवान ने चाहा तो लाभ होना तत्काल प्रारंभ होगा, लेकिन पंडोकर धाम 5 अमावस्या तो करनी ही पड़ेगी। जय श्री राम, जय पंडोकर। चलिए।